जय गुरुदेव। बात बहुत पुरानी है। प्राचीन समय में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की एक ही पुत्र था जिसे राजा अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। तो जब राजकुमार 12 साल का हुआ तो बीमार पड़ गया। राजा ने राज के सब अच्छे से अच्छे वेद हकीम और जितने भी चिकित्सक थे सबको बुला लिया, लेकिन राजकुमार का रोग साध्य होता जा रहा था। राजा बहुत चिंतित हो उठा। उसने पंडितों और ज्योतिषियों को भी बुलाया और उनसे अपने राजकुमार के ग्रहों को देखने के लिए कहा। विद्वान ज्योतिषियों ने राजकुमार की जन्मपत्र देखी और कहा कि हुजूर, राजकुमार तभी ठीक हो सकता है जब इसी अवस्था के किसी बालक की, जो अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हो और सुंदर हो, उसकी बलि दी जाए। राजा ने मंत्री को बुलाया और बुलाकर आदेश दिया कि जाओ ऐसे बालक की खोज करो। तो बालक की खोज में मंत्री गांव में घूमने लगे और मंत्री जाकर एक गांव में पहुंच गए। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उनमें एक बच्चा बहुत ही सुंदर था और उसकी अवस्था भी करीब 12 वर्ष की थी, मतलब राजकुमार की जितने ही। तो मंत्री उस बच्चे के पास गया और उस बच्चे से बड़े ही प्यार से उसके माता पिता का पता पूछा। वह बालक मंत्री को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिया। तो झोपड़ी के दरवाजे पर उस बालक का पिता बैठा हुआ था। वह एक गरीब किसान था जो मेहनत मजदूरी करके अपने औरत का और अपने बेटे का पेट भरता था, उनकी परवरिश करता था। तो मंत्री ने किसान को राजा की आज्ञा बतलाई और उससे बच्चे को मांगा, तो बच्चे के बदले में उसे मुंह मांगा धन मिलेगा, इसका भी वादा किया। पहले तो पति पत्नी बच्चे को देने में हिचक गए, लेकिन राजा की आज्ञा टालने का साहस भी वे नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि मंत्री जी, हम अपने एकमात्र बच्चे का सौदा क्या कर सकते हैं, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे हम नतमस्तक हैं। ऐसा कहते कहते माँ बाप के गले भर आए और उनकी आंखें गीली हो गईं। बालक चुपचाप सब सुन रहा था। मंत्री ने किसान को 5 सोने की मोहरे दी और उस बालक को लेकर महल की तरफ चल पड़ा। बालक को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की थी कि अब राजकुमार जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। बलि की विधिवत तैयारी की गई। बालक को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए, चंदन का टीका लगाया गया और ब्राह्मणों के मंत्रों का उच्चारण बीच वह बलि देवी की ओर ले जाया गया। बलि होने में अब कुछ ही क्षण बाकी थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और राजा सामने ही बैठा था। मंत्री और दूसरे दरबारी गण भी वहां खड़े थे। तो बालक ने आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा और चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान फैल गई। राजा ने उस बालक की ओर मुस्कान को देखा और उसमें छिपे दर्द ने उसके हृदय को दहला दिया। राजा अपने स्थान से उठा और उठकर उस बच्चे के पास आया और बड़े ही प्यार भरे शब्दों में बोला कि बेटा, तुम बताओ कि तुम मुस्कुराए क्यों, जबकि तुम जानते हो कि अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। तो बालक ने जवाब दिया कि राजन, विधि के विधान पर हंसी आ गई। राजा ने फिर पूछा कि इसमें क्या विधि का विधान है। तो बालक ने कहा कि महाराज, इस संसार में पहला सहारा माता पिता का होता है, लेकिन मेरे माता पिता ने 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आपके पास मुझे भेज दिया। दूसरा सहारा राजा का होता है, लेकिन हाँ, तो जो कुछ हो रहा है आप ही की आज्ञा से हो रहा है। तीसरा सहारा धर्म का है और ईश्वर का होता है, लेकिन मेरी बलि धार्मिक नियमों के अनुसार देवताओं के समक्ष दी जा रही है। इसलिए राजन, मुझे विधि के विधान पर हंसी आ गई। मुझे इतना असहाय और बेसहारा बना दिया है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बालक की बात राजा के दिल को लग गई। राजा ने आगे बढ़कर उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और बोला कि नहीं बेटे, तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अब तुम्हारी बलि नहीं दी जाएगी। मैं अपनी आज्ञा वापस लेता हूँ। तुमने मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया है। तू अपने माता पिता की गोद में वापस भेज दिया जाएगा। राजा ने बड़ी ही बहुत से बहुमूल्य उपहारों को देकर उस बालक को अपने माता पिता के पास भेज दिया। और इधर जब अब राजकुमार भी स्वस्थ होने लगा, उसे स्वस्थ होता देख राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने राज्य में किसी जीव की बलि भी नहीं दी और ऐलान करवा दिया किसी जीव की हत्या नहीं की जाएगी। वह आजीवन दुखियों पर दया करता रहा और आगे चलकर राजकुमार ने भी अपने माता पिता का ही अनुकरण किया। तो यह होता है दया का फल। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यह है कि
दया करने का भी अपना बहुत बड़ा महत्व होता है।